हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, नीट यूजी 2021 का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि दोस्तों आपकी नीट यूजी की परीक्षा जो है 31 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। तो नीट यूजी की परीक्षा भी जरूर स्थगित की जाएगी। ये न्यूज़ देख लेते हैं क्या है, नीट यूजी परीक्षा क्या फिर स्थगित होगी, अच्छे स्कोर के लिए अपनाएं ये रणनीति। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है, मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाने के लिए नीट पहली सीढ़ी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर साल छात्र इस परीक्षा के लिए अपनी रुचि दिखाते हैं। यहाँ की कोरोना महामारी जैसी आपदा से भी नीट के प्रति लोगों के रुझान कम नहीं हुए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण मामलों में बेतहाशा वृद्धि के कारण काफ़ी हद तक संभावना है कि सरकार नीट 2021 परीक्षा स्थगित कर दे। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि होना बाकी है। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, हाई कोर्ट से भी यह संदेश आ चुका है कि जल्द से जल्द संपूर्ण लॉकडाउन जो है लगाने की जो है तैयारी की जाए, और बहुत जल्द ऐसा होगा तो ही कोरोना के मामलों में जो है वृद्धि को रोका जा सकता है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका नीट यूजी का एग्ज़ाम जरूर पोस्टपोन होगा, एटलीस्ट सितंबर या अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट रहती है तो इसका कोई जो है सब्स्टिट्यूट रूप भी निकाला जा सकता है कि आपको किसी और वे में जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और पोस्टपोन होना ठीक है या नहीं, इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, घर में रहें, सेफ रहें, और अपना जो है सैनिटाइज़र अपने पास रखें, बार बार उसको यूज करें जब भी आप किसी के संपर्क में आएँ। और दोस्तों, घर पर रहकर अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। इस कोरोना महामारी से हम सभी को मिलकर के लड़ना है और एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर रहना है, किसी के टच में नहीं आना है, और अपने जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहना है घर पर रहकर। ये वीडियो देखने के लिए आपका फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।